we can say, but they almost every time they use moving earth. Yes, we can say that. It's very deep. No. It's very high. Well, try to be scientific with figure. It is 115 meters high. There should be a figure explaining this. Add a figure to explain. Yes, ma'am. This is the three gorges dam picture. But, explain the challenges, comma, geometry of your project, right? Yes. Okay. Actually, tried to work a lot on. What are the challenges? वो आपने बात ही नहीं की हमें बताएं. I shifted my project to materials totally not. बेटा real में क्या challenge? Material is a part of the project. ठीक है, like simple. हर project जो है उसका engineering aspect है. Yes. And materials are part of that project. ठीक है, material के बगैर नहीं ना बनेगा project. चाहे वो हड्डी बना रहे हैं, चाहे वो डैम बना रहे हैं, चाहे वो कुछ खलीफा बना रहे हैं, चाहे आप कुछ और बना रहे हैं, राइट? सो इंजीनियरिंग इज देयर, जैसे उसकी भी वो जो देनी थी उसमें उसको आर्किटेक्चर का भी थोड़ा सा बताया, बट शी डिडंट गो इनटू द डिटेल ऑफ आर्किटेक्चर, शी वेंट इनटू द डिटेल ऑफ द मटेरियल. सो हर प्रोजेक्ट के सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आपने इंडिकेट किया था एक इलेक्ट्रिकल पार्ट भी था उसका, बट शी डिडंट फोकस ऑन द इलेक्ट्रिकल पार्ट, शी वाज मोर इनटू द इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, तो एनीवे मुझे इसके चैलेंजेस नहीं समझ आए कि आपने चैलेंजेस क्या थे और आपने फिर सॉल्यूशंस क्या ढूंढे थे. बस आई ओनली टॉक अबाउट मटेरियल्स एंड मटेरियल सिलेक्शन, डिजाइन, मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में जो यूज हो रहे थे मटेरियल, उसमें क्या इश्यूज थे, हमने वो डिस्कस किए ना कि ये मटेरियल इसलिए प्रपोज किए गए कि ये प्रॉब्लम्स थे और उनको सॉल्व करने के लिए ये मटेरियल्स. लाइक व्हाई कैन वी यूज मार्बल इन दिस? You have to explain that. You need to go deeper. Yes, Akash. You have to go deeper. And isme, for example, isme kya tha? Haan, concrete wali figure thi idhar. Ye, isme ye kis type ka material hai? Kis material class mein aati hai ye? Material class. Classes of materials padhe the humne pehli class mein. To ye crystals wagaira. Nahi, kyun karo ha? ये कौन सी क्लास ऑफ मटेरियल में आ रहा है? देखने को मैं तेरे को बड़ी सुपरफिशियल सी आ रही है नहीं. अब इस यू शुड एक्सप्लेन ये किस क्लास ऑफ मटेरियल में पूछती हूँ, आपको अभी नहीं समझ आ रही है कौन सी क्लास ऑफ मटेरियल, मैं आपको बता देती हूँ. बताओ, ये रहने दूंगा आपको, नहीं ढूंढ लेना. फिर मैं इस पर पूछूंगी कि इसमें मैट्रिक्स कौन सा है, अब आपको पता नहीं होगा मैट्रिक्स होता है नहीं होता. मैट्रिक्स का लफ्ज कहाँ से आता है? टेंगरी ऑफ नंबर्स विच कैन मैं नहीं सॉरी मैथ्स का लफ्ज मटेरियल्स वाला. ओके, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट. हां, वी कैन यूज अ मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल. अच्छा नहीं, वो छोड़ दो प्लीज, डोंट टेक अस देयर, हम लोग काम नहीं करना. द ऑब्जेक्टिव दैट आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू इज द क्लास ऑफ मटेरियल, आई एम ट्राइंग टू टेक यू देयर, मुझे ढूंढ के बताना. ठीक है, व्हाट क्लास ऑफ मटेरियल, वो वाला चैप्टर, उसमें से ये कांसेप्ट आपको समझ आ रहा है, ये मैं बहुत ज्यादा बता रही हूं. ठीक है, सो क्वेश्चन मैम, एक लास्ट क्वेश्चन करो मैम. इसमें तीन गॉर्जेस मुझे पता ही नहीं चला था इसका नेम है. आप It is located in the tree of three. It was named as. No, I believe there are three gates. What again? Three gates over here. Gorgeous, what is the book? Three dams and here. Gorgeous, maybe. Gorgeous, the name of the book? Shanda? Yes. Gorgeous, then what is the egg goal of Tara? Bengal, yes. यहाँ पे इंटरनल बैरियर हो गया आई बिलीव ये थ्री बैरियर है, तीन जगहों पे थ्री बैरियर, थ्री सेंस. ये वो वाला नहीं है जो कैसे क्या है, वो मैंने वेजिटेशन उस सेपरेटेड है, आपको पता है उसका टाइटल है, ये तो पता है. अच्छा चलो, ओके, यू नीड टू डू सम, ठीक है, ओके जी. एनी अदर क्वेश्चंस? C3 is a tri-calcium aluminate. It is used for hardening the
Like more usage of C3A will harden the concrete more rapidly. But with less C3A. Yes, because this is a huge project, so when we use less C3A, for example, the mixture is being created like a half mile away, and they have to move the mixture to the place where they have to use it. So it will be already hardened when they reach there. So they use less C3A and they use more super plasticizer to reduce water to cement ratio so that it can be more strengthened. जो यहाँ मटेरियल पाए जाते हैं यूज़ करते हैं हम उसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स या फिर आप कह रहे हैं जैसे मैंने उस पे रेडिएशन की बात की थी ये भी कह सकता हूं इफ द रेडिएशन वाली प्रॉब्लम कैन गेट सॉल्व मोर भी एनवायरमेंटल अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं यस इट वुड बी अ नाइस सेक्शन या यू कैन आल्सो थिंक अबाउट दैट अच्छा इसके एनवायरमेंटल क्या इंपैक्ट है इस प्रोजेक्ट पे यू कैन टॉक अबाउट दैट ठीक है अशु से दिखाओ हमें अपनी स्लाइड से बारे में सो मैन दे हैड टू रिमूव एंटायर कम्युनिटीज फॉर दिस डैम और रेड दिस समवेयर हां अच्छा नीचे आओ दिस कंक्रीट इज वेरी यूजफुल बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी मैम थर्मल क्रैक कंट्रोल इसलिए क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो मोस्टली जरा सी हीट पड़ती है सनलाइट की वजह से वो क्रैक होना शुरू हो जाता है लेकिन आरसीसी इज वेरी गुड इन दैट ठीक है एक्सप्लेन कर नीचे आओ आपको पता है चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज का वो यूज कर सकते हो ओके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना ठीक है आगे ये देखो स्टील डिफरेंट टाइप्स की पीछे लो मैम तीन तरह के स्टील्स बने हैं अभी देखो मैं कह रहा हूं ये मैंने पहले पूछा था यू सेड सिर्फ ग्रेड एफ की नो मैंने कहा था हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील एक तरह का यूज किया हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील के अलावा भी रीइंफोर्सिंग स्टील है और बैकिंग स्टील है तीन तरह के स्टील है उनमें से भी टाइप्स हैं आपके यूज कौन सी हुई मैं जो रीइंफोर्सिंग स्टील है इसमें से ग्रेड्स की बात करते हैं क्योंकि दिस इज लाइक बार सो इनमें ग्रेड्स यूज होते हैं 80 ग्रेड का जो यूज होगा और हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील में इट इज ग्रेड एफ व्हिच इज फॉर एवरी टाइम यूज इन कंस्ट्रक्शन अच्छा ये क्यों यूज हुई है थ्री ग्रेड्स की स्टील मैम जो यहां पे लो स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील है ये यूज ही